मोंकू को पता होगा कि बर्ड हाउस के अंदर किसने मारा बर्ड को। ये है हमारा मोंकू और मोंकू के द्वारा पर्ची की भविष्यवाणी 100% सही होती है। तो क्या मोंकू को पता होगा कि बर्ड हाउस के अंदर किसने मारा बर्ड को? लिखता हूँ नेवला। तो मैंने सबका लिस्ट बना रखा। बिल्ली की पॉसिबिलिटी कम है। चूहा जो था मैंने निकाल दिया था। सांप हो नहीं सकता है। बजीस बचा है। नेवला नहीं बचा। तो इन सब में से एक है जो कि हमला कर सकता है बर्ड हाउस में अदृश्य जीव बन के। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं अपने मोंकू को बुलाऊंगा। मोंकू उधर देखो किस तरीके से हमें देख रहा है। तो बिल्ली, नेवला, बजीस, चूहा, सांप, आप ही बता पाओगे इनमें से किसने किया है। मैं पर्ची को आपके सामने ऐसे रख रहा हूँ। मैंने सब कुछ ऐसे रख दिया है और इसका भी रख दिया। मैंने देख लिया बेटा। इन सबको मैं ऐसे मोड़ लूंगा और सफल करने लगूंगा। लो काटी, देखना क्या क्या इसने उठाया। उठाना क्या है? मोंकू ने कुछ ऐसी पर्ची उठाई जिसे देखकर हम दंग रह गए। पर जब तक अपनी आंखों से ना देख लें तब तक कंफर्म नहीं कह सकते कि इसने किया होगा। रंग बना बना के जो कुछ मेरे बीमार बर्ड्स थे जिनकी डेथ हो गई थी उसको भी इसमें से निकाल के वो पूरा नहीं खा रहा था। मतलब वो मानो कि अंदर का छोटा सा पार्ट खा के बाकी उसको ऐसे यहाँ पे कभी यहाँ पे जमीन कभी नीचे की तरफ फेंक देता था तो कभी ऐसे ऊपर छोड़ देता था। मोस्टली केसेस में हमें नीचे मिलते थे। नीचे यहाँ पे इस जगह मिल गया, कभी इस जगह मिल गया, कभी इस जगह मिल गया, नीचे मिल गया। तो ये करते थे जो भी दो तीन चार बर्ड्स मेरे थे बजीज जो बीमार हो गए थे बेचारे, जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे उनको हमने यहाँ पे गाड़ दिया था कि पौधों को भी न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन इसके बाद से इंसिडेंट शुरू हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वीडियो में कि दिक्कत ये हो रही है कि हमने पूरा अंदर का बंद कर रखा, कवर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुरंग खोदा जा रहा है। अब यहाँ पे उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। कौन है वो पता नहीं चल पा रहा है। और रात को ही दिखता है, रात को। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है रात को कुछ हलचल दिखती है, लेकिन हलचल के साथ ही अगर हमने गेट खोल के हम आते हैं, यहाँ अंधेरा होता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं कैमरा हम लगा पाए। रात को अगर यहाँ पे पेड़ों के पास आसपास हलचल भी दिखती है हमें तो जैसे हम आते हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। किस रास्ते सारा पता नहीं, अभी यहीं पे है, कहाँ है पता नहीं। हमने यहाँ पे बहुत खोद के देखा, जहाँ जहाँ इसने गड्ढे बनाए तो उसके आसपास को पूरा मिट्टी खोद के देख लिया, बट फिर भी वो नहीं दिखा, वो जीव नहीं दिखा। कैचर अपने साथ कुछ लोग को लेकर आया था बर्ड हाउस में। फिर कैचर हर कोने में देखने लगा ताकि अदृश्य जीव को पकड़ा जा सके। उधर क्या वो लेना, कुछ है मोबाइल, कुछ है इसमें, मोबाइल देना इसमें कुछ है भैया, कुछ तो देखो आवाज आ रही। देखो पानी डाले, पानी डालते हैं, कुछ तो है इसमें। देखो पानी तक अंदर चला गया, इतना लंबा इतना भयानक गड्ढा यहाँ बना रखा है। ये रहा भैया, ये रहा, देखो पेड़ पे चढ़ रहा है। लोग भाग कर उस अदृश्य जीव को पकड़ने के लिए गए पर वो अदृश्य जीव खाली प्लॉट में चला गया और वहाँ जाके गुम हो गया। यहाँ से बच्चा गायब हो गया, कबूतर का बच्चा गायब हो गया। कौन खा रहा है? इधर दरवाजा हमेशा बंद रहता है, दरवाजा पूरा बंद रहता है। दरवाजा तो कौन आ रहा है इस रास्ते से? बताओ यार, तो इधर आया सर, दोपहर दरवाजा खोल रखा था, कोई आ गया हो? नहीं, ये कबूतर तो होगी नहीं, ये कबूतर बच्चा जो था अंडा दिया था यहाँ पर। अंडा है ही नहीं, कबूतर अंडा भी नहीं है ना, दो अंडा था वो, हाँ। वो भी नहीं है ना। बताओ कौन खा रहा है इसके अंडे को? बताओ, अंडे भी गायब कर दिए। बताओ यहाँ से, अंडा यहाँ पर दो ही थी। दो अंडे थे ना यहाँ पे, हाँ, पहले दिया था, पहले फिर अंडे खराब हो गए थे, हाँ। फिर दोबारा अंडे भी नहीं होते। बना रखा है, डाल दो, हाँ थोड़ा और डालो। ये दरवाजा बंद होता, दरवाजा गया तो गया था कबूतर को। अच्छा बस ला देना, पूरा मिट्टी दबा देता हूँ मैं। अब खोदो तुम गड्ढा, खोदो गड्ढा बेटा। मिट्टी कौन खोद रहा होगा? चूहा तो नहीं है?
रात के अंधेरे में इस बच्चे का सारा खून चूस लिया और इसे बॉक्स में छोड़ दिया मरने के लिए। हमारे एरिया में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे थे, तो लाइट नहीं थी, ऊपर से कोहरे की चादर में बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने अपने छोटे कॉकटेल और बजीज के बच्चे को नीचे रूम में रख दिया ताकि उनको ठंड न लग जाए। उस दिन मैं उनको फीड करा ही रहा था, बाहर से काफी तेज आवाज आई कि कोई घर में घुस गया है। जीव कौन है जो परेशान कर रहा है हमारे पूरी सोसाइटी में? पुलिस तो पुलिस ही आ रहा है। ये दरवाजा टूटा ही, इसको क्या खोला गया, तोड़ा गया है लॉक से? पता क्या हुआ कि इसका इसकी चाबी पक्का बनाई गई होगी रात रात में, नहीं रात रात में आके साली बनाई होगी चाबी, वो सब करके फिर सुबह इसने किया होगा कांड। अब तो ये भी सेफ नहीं है जो लोगों ने घरों में लगाया, तब तो ये खुला हुआ, इससे खोला गया है ना। अच्छा, ये भी खुल गया, ये तो बंद है अंदर से ही। ऊपर छत पे, छत पे सारे बंदे चले गए, कुछ नहीं था छत पे, छत पे गए नहीं हुए। किसका है? पड़ोसी कई दिनों से घर में नहीं था और हमारे एरिया में 2 घरों में पहले भी कोई ताला तोड़कर आतंक मचा चुका था अदृश्य चोर। हमने पुलिस को बुला लिया ताकि उसको पकड़ सके। ये भैया बहुत दिनों से हमारे सोसाइटी में अदृश्य जीव ने कोई परेशान कर रखा है, ऐसे तो हम लोग जाना कहीं दूभर हो जाएगा हम लोग के लिए। तो कुछ नहीं छेड़ा मुझे लगता, आवाज लगाने के बाद देख लिया हमने, खुला है पूरा। ये आप लोग बुलाया था? ऊपर भी देखा, ऊपर भी कोई नहीं था। समय खराब हो रही है, लेकिन वो पहले से ही भाग गया था। और उस दिन रात के अंधेरे में कॉकटेली काफी तेज आवाज आ रही थी, जब बर्ड हाउस में जाके देखा तो उस बच्चे के पोटे में काट कर सुखा दिया था। बेचारा बच्चा सुबह ही अंडे से निकला था और शाम को अंधेरे में इस बच्चे को सुखा कर मार दिया। आज से कुछ महीनों पहले हम बाहुबली के लिए लीला को लेकर आए थे, पर लीला ने अभी कुछ दिनों पहले ही 11 एग्स दिए थे, पर अदृश्य जीव ने अंधेरे में इसके बच्चे को चूस लिया। इधर क्या कर रहा है बेटा? हटो यार, कबूतरों की किसी ने, कबूतर के अंडे किसी ने मार के खाए हैं, ऐसा ना तुम्हें तुम पे हमला ना करता हूँ। हटो यहाँ से, पहले हटो। पर ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? सर ये घूमता रहता है इधर से। फिलहाल बर्ड हाउस को मैंने अंदर से बंद कर दिया है, उधर से मैंने बंद कर दिया है। लाइट जब जला रखी है और लाइट अभी गई तो ये होटल में हीटर भी जल जाएगा लाइट आके, और ये भी बंद कर देता हूँ। और ये बर्ड हाउस सेफ है, बर्ड हाउस में 24 घंटे बंद करता हूँ ताकि मार्केट में दिक्कत ना हो। इसको लगा रखा ताकि ये कुछ अगर पकड़ मिल जाए इसको तो कम से कम ढूंढ ढाल ले इसको, इसलिए हमने यहीं पे लगा रखा है इसको जूतों को। बेटा अभी मैं आप मूव भी खा चलेगा, पर इनको जरूर लो ताकि इनके बॉडी में गरीब गर्मी बनी बन सके। अगर 5-10 मिनट लाइट भी जाती है अलग। खाओ 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 खाओ। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मतलब डेली मैं टाइम स्पेंड करता हूँ जब भी मुझे टाइम। सर के बच्चे को किसने खाया? मतलब उसके पंख समझो कुछ भी नहीं है, हालांकि इतना बड़ा बच्चा नहीं था कि उड़ पाया, पैदल वगैरह निकल गए थे, मतलब 1-2 हफ्ते में उड़ने लायक हो जाता, 1 हफ्ते के अंदर उड़ने लायक हो जाता। लेकिन सीढ़ियों के पास उसने अपने एग्स दिए थे और बच्चे भी बड़े हो रहे थे काफ़ी अच्छी, इससे पहले भी कई बार ब्रीड कर चुके थे तो निकल जाए। जब से ये जीव हमारे पास आ रहा तब से कबूतर के बच्चे भी सेफ नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं आप देख सकते हो, उधर क्या कहते हैं स्टेयर्स के पास उसने एग्स दिए थे, बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी मम्मी ने देखा तो कबूतर बच्चे ही नहीं है।